हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आइए जानें आप सभी से जुड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल दसवीं तथा बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं में कैंसिल हुए पेपरों का कैसे होगा मूल्यांकन, जानते हैं। पूरी जानकारी अपडेट आया है। बोर्ड परीक्षा में शामिल काफ़ी विद्यार्थियों को चिंता हो रही है कि कैसे मूल्यांकन होगा, क्योंकि आदेश आ गया है कि कुछ जो जरूरी पेपर हैं उनके ही परीक्षा होगी, इसलिए उन पेपरों का कैसे मूल्यांकन होगा। विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, यदि मूल्यांकन अधिकारीगण अपने हिसाब से करते हैं तो विद्यार्थियों को संकोच है कि उनका मेरिट सूची में नाम नहीं आ पाएगा और जो विद्यार्थी जिस पोजीशन पर है वह उस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाएगा। तो जानते हैं उसके बारे में अपडेट आया है। यदि आपको अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल कैंसिल विषयों के नंबरों का कैसे होगा आकलन, आप सभी को चिंता है और वह चिंता अब दूर हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लॉकडाउन के कारण कैंसिल किए गए पेपरों की परीक्षा कराने को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। आप सभी को पता है मैंने इससे संबंधित वीडियो भी जारी कर दिया है और उसका जो आदेश आया था उसका आदेश भी मैंने आपको दिखा दिया है। हालांकि जिन पेपरों की परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जाएंगी उनके नंबरों का आकलन किस आधार पर किया जाएगा इसको लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। विभाग द्वारा अभी इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में स्टूडेंट्स चिंतित हैं, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा शनिवार को एक आदेश किया गया था जिसमें बारहवीं के आधा दर्जन विषयों के पेपरों को कैंसिल कर दिया गया है और कहा गया है कि इन पेपरों के नंबरों के बारे में बाद में निर्णय लेकर अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एवं नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत आने वाले 9 सब्जेक्टों की परीक्षा निरस्त की गई है। इन विषयों की परीक्षा में शामिल होने वाले जो स्टूडेंट्स ने अच्छी तैयारी की थी वह इस बात से चिंतित हैं कि यदि औसत नंबर मिले तो वह मेरिट से चूक जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विद्यार्थियों ने इन विषयों में बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, उनके पढ़ाई के अनुसार वे मेरिट में आ सकते थे, लेकिन आकलन यदि औसत के हिसाब से हुआ तो उनका मेरिट में आना संभव नहीं हो पाएगा। वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन विषयों को सरल मानते हैं और बाकी विषयों के नंबर कवर करते हैं। इसका मतलब है कि जिन विषयों में परीक्षाएं नहीं हो रही है विद्यार्थियों का ऐसा मानना है कि इन विषयों को कवर करके वे मेरिट में आ सकते थे और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं तो मेरिट में आने वालों को जो पहले उन्होंने प्रतिभावान छात्रवृत्ति और मेरिट में आने वालों को पुरस्कार दिया था वो बिल्कुल मिलेगा इस बार, आप कन्फर्म रहें इसलिए कोशिश करें। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड व्यवस्था कर रहा है उससे भी हमें अवगत होना पड़ेगा, जो भी होगा अच्छा होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसा आकलन नहीं होगा ताकि आप लोगों को मेरिट में आने से चूक हो। अनिल कुमार सुचारी सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने कहा है कि जल्द निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जिन विषयों की परीक्षाएं लॉकडाउन के बाद होने की बात कही गई है उनका टाइम टेबल ही जारी नहीं हुआ है। कैंसिल विषयों के संबंध में बाद में जल्द निर्णय लिया जाएगा, आप चिंता न करें, इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के सचिव अनिल कुमार सुचारी ने कहा है, इसलिए आप सभी चिंता न करें। तो इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।